आपके पास में एक डेटाबेस है ORCL, आप चेक कर लिए एक बार क्या कंडीशंस हैं। डेटाबेस स्टार्ट है, रेडी है। सेलेक्ट नेम हम इसमें RMAN से कनेक्शन लेते हैं, तो हम लिखते हैं नॉर्मली RMAN टारगेट इक्वल टू प्लस, ठीक है, मैसेज डेफिनेटली लिखा होगा कनेक्टेड टू टारगेट डेटाबेस। अगर हमारे पास में लिसनर का स्टेटस देखें, लिसनर और से अवेलेबल है एंड टीएनएस एक है और एक और मैनुअल एडमिन क्या है टीएनएस और सी एल ही टीएनएस भी है, बट इसको पिंग करेंगे तो ये आईपी चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये आईपी पड़ा हुआ है इसको ऑफ कर दीजिए लोकल। TLS ping ORCL ping कनेक्टेड है, अगर यह मैसेज आ गया ठीक है ओके, इसका मीनिंग है हमारे TNS ओके है। तो हम यहां से ऐसा भी राइट कर सकते हैं RMAN टारगेट इक्वल टू सिस्टम एट ORCL पासवर्ड, तो पासवर्ड खुले जाए थोड़ा। हाँ हाँ, ये हमें आईपी क्यों चेंज की थी? सिस्टम के पास अपनी आईपी तो होना चाहिए ना, इनसफिशिएंट प्रिविलेज सिस्टम का, तो हम सिस्टम को हटा देता हूँ, मैं डाल देता हूँ कनेक्टेड, ठीक है। अब कनेक्टेड हो गया तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं बताया था आपको बैकअप लेना है, ठीक है, बैकअप टेबल स्पेस, कौन सी टेबल स्पेस, यूजर्स, हम सिर्फ यूजर कमांड पास करते हैं तो यूजर्स टेबल स्पेस का ये बैकअप लेना स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में देखिए, यूजिंग टारगेट डेटाबेस कंट्रोल फाइल इंस्टीट ऑफ रिकवरी कट लॉग, रिकवरी कट लॉग की कोई हानि नहीं है, अभी सिर्फ टारगेट डेटाबेस को फोकस कर रहा है, ठीक है। उस टारगेट डेटाबेस में जो रिकवरी कट लॉग को इग्नोर करके कंट्रोल फाइल को पिक कर रहा है, उसके बाद ये प्रोसेस करना स्टार्ट किया। सिस्टम को पता है कि 4 और 6 फाइल नंबर दिस, फाइल दिस एंड दिस, यह दोनों इसका मेंबर आ चुका है, यह दोनों फाइलें इसका मेंबर आ चुका है। जब दोनों फाइलें का मेंबर आ चुका है, अब इसका बैकअप लेना हुआ स्टार्ट करेगा। अब देखो, ये तो दोनों फाइल का एक बैकअप बनाएगा, जिस किसी भी लोकेशन में बैकअप होगा वह बैकअप क्या होगा, उसका बैकअप सेट कैसा होगा वो एक बार स्टार्टिंग फुल डेटा फाइल बैकअप सेट इसमें पूरी कर डिवाइस टाइप क्या है, डिस्क, कहाँ बैकअप ले रहा है डिस्क, एलोकेट चैनल ओडा डिस्क वन, यह चैनल नेम है, बाय डिफॉल्ट ही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम लेने तो डिस्क टू आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम जब यह बैकअप चलाए हैं तो जो ये चैनल लिया है, चैनल असाइन किया, ठीक है, उस चैनल के अकॉर्डिंग यह बढ़ना स्टार्ट किया, चैनल इसके पास से की है, यह वर्ड कंप्लीट हो जाएगा या चैनल रिलीज कर देगा, दोबारा भी डिस्क वन मतलब वन ही चैनल आएगा, फिर से डिस्क वन ही आएगा, तब तक जब तक कि अपना डिस्क अपना चैनल असाइन नहीं कर दिया, तो अपना चैनल असाइन कर दिया वो कॉन्फिगर करो डिफॉल्ट आपका चैनल असाइन करना पड़ेगा,
देख सकता हूं कहां पे बन रहा है अभी डीबीएस कहां पे बता रहा हूं मैं एफ आर एन टी वाले सारे चल ही रहा है नहीं इसे फाइल बंदा हुआ देख सकता हूं फाइल बंद करो नहीं दिख रहा है मल्टीपल कनेक्शन बना सकते हैं डिस्क वन नहीं यह चैनल है ठीक है हम अगर यहाँ कमांड चला देता हूँ बैकअप नहीं ये स्पेलिंग का दिक्कत नहीं है ये रिसोर्स का दिक्कत है बैकअप आप एक साथ इसको चलाओगे दो बैकअप आपने एक साथ नहीं सेट किया सकते उसको ठीक है अब देखते हैं जैसे हम बोला स्टार्टिंग बैकअप कलर फ्लावर का एक फोन हाँ ठीक है ओरा डिस्क वन दो सेपरेट चैनल है दो सेपरेट सेशन पर ऑरेकल खुद ही डिजाइन किया है मतलब चैनल को एक ही ये चैनल पे एक ही सर ये आपने साइन नहीं किया ना अच्छा उसने बाय डिफॉल्ट आपने साइन नहीं किया ना ऑरेकल ने साइन किया ऑरेकल सेपरेट सेशन तैयार किया ऑरेकल एक सेपरेट सेशन तैयार किया ओके चैनल पे नहीं सिस्टम में आप जब लॉगिन करते हो एक साथ में कम से कम 15 20 50 यूजर लॉगिन तो कर सकते हैं अगर 50 यूजर एक साथ लॉगिन करेगा तो क्या सबका लॉगिन नहीं होना चाहिए होना चाहिए पर सेशन वाइज ठीक है यूजर उसमें एंट्री करता है तो चैनल क्या है एक चैनल के इस सेशन के लिए चैनल अलग होगा दूसरी सेशन के चैनल अलग होगा जो ऑरेकल डिजाइन करेगा अगर हम उसे डिजाइन करते हैं ठीक है तो हमारे भी चैनल सेशन वाइज ही तो बनेगा जितने भी आप कमांड चलाएंगे हर किसी का सेपरेट सेशन होगा सारे आर्काइव को इनपुट लिया हमने पक्का चैनल स्टार्ट किया लेकिन यह हमने गलत कमांड चलाया हमको नहीं चलाना चाहिए सिस्टम रिसोर्स के अकॉर्डिंग कमांड कर लो देखो यहां पर आपने उसके बैकअप डाल दिया ये चीज ये सारा पार्ट ऑपरेटर सिस्टम ही कर रहा है ना इनएप्रोप्रिएट आईएसपी इनएप्रोप्रिएट
लॉक नंबर और साइज का इशू आ गया ठीक है। पहला पॉइंट अब ये दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका होम है, ये डीबीएस में जा रहा है। मैं पहले बताया था कि नहीं कहीं कुछ होगा तो डीबीएस में जाएगा, डीबीएस में जा रहा है। अलग अलग क्रिएट कर दिया। अब हम क्या चेक करते हैं डी एफ एक्शन के यू जीरो वन अवेलेबल कितना स्पेस है। इसमें अगले पैकेट को बनाने के लिए पास स्पेस नहीं था। अब बैकअप फेल समझ में आया कि डिवाइस में जा रहा है। अब डिवाइस में बना भी है कि नहीं बना है। बैकअप फेल हुआ तो इसको बैक कर दिया। स्पेस तो अभी वही दिखा रहा है 96। क्या हुआ 36 जीबी आपने एक बार उसमें आपने ये और यू जीरो ने कर कर लिया और जो फेल कर दिया स्पेस ऑक्यूपाई किया कि नहीं, स्पेस भी रोड कर दिया, स्पेस हटा दिया होगा। फाइल फोल्डर में उसको तो हम हटा सकते हैं ना, कैसे भी करोगे सब बन जाएगा। कम से कम 10 जीबी जगह खाली हो जाएगा। मैं बोला दो कमांड एक साथ नहीं चलाना चाहिए था, हमने दोनों कमांड एक साथ चलाया। कल परसों एक अंकित शर्मा है वो आता है मेरे पास कुछ के लिए, मैं बोला भाई अभी कमांड ना चला, नहीं सर चलाना है क्या होगा, छोटी दिक्कत नहीं होगा, सुबह के टाइम में जो आता है। हाँ चलाना है बेटा। हाँ सर फिर कल मिलते हैं। सर कमांड चला दिया उसने, फिर थोड़ी सोच करना बंद कर दिया। उसने 2.5 घंटे खराब किए मेरा खुद का, कुछ नहीं हुआ तो बेटा 2.5 घंटे तेरे को मान लेता ना मेरी बात, तो 2.5 घंटे की आर्डी तुम्हारी बच जाती मेरी भी बच जाती। डेटाबेस तो हटेगा, ये हटेगा तो आपके पास में कुछ बचेगा नहीं। अब आपके पास में 19 जीबी अवेलेबल है, अब आप कमांड लिख जा सकते हैं। बैकअप टेबल स्पेस ऐसे चैनल वन जो आपका है नहीं है प्रोसेस तो स्पेस अलॉट कीजिएगा, प्रोसेसिंग और रैम दोनों तो इसी के पास है। नहीं जो तो थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो जाएगा, ये लिखना था क्या आप भी मरता है क्या, वो तो एरर आया था अपना स्पेस ही है, मरेगा नहीं कर ले जाएगा ना, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। हाँ फिर ये पूरी क्लास हम लोग वेट करते रहे, तो सर
नेक्स्ट वाला ना मैनुअल जो नो पास दिखाई जो कुछ नहीं अभी वाला इसको खत्म कर दीजिए। कल जी बोटिंग में वाली ऑफिस में एसटीपी लगवाने से स्टार का सप्रेशन उसके लिए रिवॉर्ड लगाया गया है 150 डिग्री का स्टोरेज। एक एसटीपी मारा 120 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा के बैठ गया जी बोर्ड जियो खड़ा मैनेजर खड़ा डेवलपर खड़ा और जो क्लाउड का जो प्रोडक्टर वो भी खड़ा पीछे सब बोल रहे यार हुआ कैसे कभी क्या चला रहे हो सब कुछ भी नहीं चला रहा हूँ मैं कुछ नहीं नहीं मतलब बस अभी बैठा हुआ था देख रहा था सिप्पी मारो मैं 63 जीबी की आईडी मारो बैठ गया मुझे क्या मतलब आई क्यू ले आया चलता हुआ सर्वर बैठ गया अच्छा टेस्टिंग मोड में था अभी एक बंदा बोलता है अभी तुमको चलाया है वाला हायर सिक्के से मैंने बोलता है अच्छा भाई इसी बारे पता चल गया कि 63 जीबी एसपी नहीं करना है नेक्स्ट मंथ से। मैं जो डेटा फाइल को 4 जीबी का स्लॉट बना बना के भेज रहा था वो भेज रहा था देखिए सुनना 50 जीबी का बना के भेज दिया इसके पीछे यही रीजन है कि सारे रिसोर्स बैठ जाएंगे नेटवर्क चॉक हो जाएगा वहाँ पर नेटवर्क टीम को सही बैठना पड़ेगा नेटवर्क वाले को मतलब ढंग के नॉलेज वाले बंदे को बैठना पड़ेगा जैसे डिफॉल्ट एक स्टोरेज अलग बात है आपका जो मॉडल है आपके जैसे रेड हाँ रेड हो गया ये रेड रैकेट हाँ हाँ आप बोला कोई बैक कंसल्ट कीजिए मैं रेड लेके आ जाऊँ नहीं सर उसको बनाना है उसको इम्प्लीमेंट करना है आप हार्डवेयर लाइएगा तब ना तो इम्प्लीमेंट कीजिए रेड एक चीज होता है सर लेने फेरी जो बंदे इंटरेस्ट होते हैं वो खोए रहते हैं बिजनेस में तो फिर जब मैंने वाला वो काम हुआ जैसे कि वाला फिर मूव की स्क्रिप्ट उसी के लगाया ये बैकअप लियो इस लोकेशन पर डीबीएस में जो फाइल है बैक बैकअप का ठीक है अब चेक कीजिए फाइल है आपका कितने से वीडियो से ऐसे साइड ही होते हैं साइड के लिए आप क्या चेक कीजिए अच्छा उसमें तो मेरे पास ये 3 जीबी की और खाली है और हाँ और आप ये चेक कर लीजिए इस फाइल का साइज कितना है उन दो फाइल का ना जो बैकअप लेने से लेने का बैकअप लिया है हाँ जी Bytes. Select.
bytes. Table space name equals to user. Please file कौन से table space में file की size चेक करते हैं ना पहले group by इसको मल्टीप्लाई कर देना फिर 24 से डिवाइड कर देते हैं ये अराउंड 4.2 जीबी अराउंड ये भी हो जाएगा ये मत चेक कर लीजिए दीजिए जरूर दीजिए 4.9 4141 4400 10 24 इतना बाइट से ये ठीक है तो पहले कन्वर्ट हुआ केबी में बाद में कन्वर्ट हुआ एमबी में बाइट सिक्स डिजिट नॉर्मली हटा देते हैं ये आ जाएगा 4.6 GB ग्राउंड है 4.6 GB का हाँ और अराउंड मैं एक बार ज़्यादा चला गया हूँ और अराउंड कंप्रेस भी होगा ना इसको नहीं कंप्रेशन किया कहाँ जो इसको बैकअप फाइल मूव किया होगा जो बनाया है इट मींस 4.6 के आसपास में यूजर्स ब्लॉक्स अवेलेबल है ठीक है ये फाइल साइज नहीं है अच्छा हाँ बैकअप तो रिकॉर्डिंग भी ब्लॉक्स है इतने ब्लॉक्स अवेलेबल है आपके पास ओके इस ब्लॉक का पैकेट बनाया ठीक है और पैकेट हो गया 4.2 का 6 एंड 2 के बीच में क्या डिफरेंस है 6 एंड 2 के बीच का एक डिफरेंस वो हाँ वो डिफरेंस आपको डिस्प्ले कर रहा है ठीक है अब जो है वो कंप्रेस है कंप्रेस नहीं है दैट्स सेपरेट मैटर ये फाइलों का साइज फिजिकल साइज इससे ज़्यादा होगा इसको साइज आप चेक कर लीजिए नहीं यहाँ पर है तो ये जो ठीक है ठीक है यूजर ये अकेले 4.2 पे है अकेले 4.2 ये 500 राइट कर दिया हाँ तो सर राउंड वही लिया वही लिया वही लिया यदि 500 तो मतलब 5 GB के राउंड है ना ये तो 4.2 ऑलरेडी है 500 एमएच में ऐड कर देंगे वही राउंड 5 GB यूजर्स मतलब आपके यूजर्स टेबल स्पेस जो है उसमें अकेले अराउंड 5 GB का स्पेस है 4.2 है ना मतलब 4.8 के आसपास अब इस स्पेस के अकॉर्डिंग आपके जो बैकअप आए 4.2 होगा वो सेपरेट ठीक है तो सर तो ये की चीज है ये ब्लॉक से ही होल्डिंग कर देंगे तो उतना ही तो आएगा लगभग हां मतलब आपको मैं ये नहीं बता रहा था कि ब्लॉक की साइज ब्लॉक से बनाए हुए बैकअप सेट की साइज एज कंपेयर टू फिजिकल साइज से कम होता है मैं ऐसा ही बता ऐसा भी आता हो ऐसा भी होता होता होगा सर कि फिर जब हम रिकवरी करते होंगे उस टाइम पे हमारी ये ब्लॉक्स की जाके साइज वहाँ पे हमारे जब एक्चुअल डेटा में जब हम कन्वर्ट करते होंगे तो वहाँ पे बढ़ता होगा फिर सर ये यहाँ पे थोड़ा घट रहा है जो जब रीस्टोर होगा रीस्टोरेशन की केस अलग होगी ना जिसमें कि फ्रेगमेंटेड ब्लॉक होगा यूज ब्लॉक होगा और सारे से रीस्टोर करेगा क्योंकि पानी में उतनी बिछाई थी तो सिनेरियो का इस सिनेरियो कहीं कोई रिलेशन तो नहीं है पब्लिश कमलेश अप्लीज कॉन्फ़िग फॉर कॉम कमलेश यार यस इसका नाम कुछ और कमलेश रन रन एलोकेट चैनल C1 डिवाइस टाइप
format. Backup database plus archive log. Archive log is space था, इस वजह से वो आया. Alter system. Archive log. Invalid format for generate name. Capital S हो गया इससे तो कोई दिक्कत नहीं है. Capital S हो गया. हम एक काम करते हैं, ये इनपुट ले लिया, ठीक है, इस सिस्टम को उठा लीजिए. RMAN center center इसको मॉन कर दो. मॉन कर दो. नहीं नहीं center बता देता हूँ. और ठीक है, ये चीज़ वन के अंदर बनाएंगे. मैं चला देता हूँ @ स्लैश होम स्लैश कोमा स्लैश @ RMAN bkp.s व्हाट ओ दो बार एड्रेस वही मैं सोचा @ नो होम कोमा RMAN RMAN backup address को percent f में काम करते हैं हम. user one को भी हटा करके format फिर उसे पास कहीं और से लाया है. हैंडसम प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्लाइंट का तुम सिस्टम इंस्टॉल कर पाएगी नहीं. ये भी परसेंट बैकअप परसेंट यू सेव कर दिया.
और यहाँ बना देता हूँ उनके लिए यार आईफोन की U01 बैकअप। अब इसको चला दें सेम कमांड कवरेज होम कोमा RMAN EKP डॉट प्लस कमरे से यही पे हो कहीं और यार बॉडी यहाँ पे सोल बाहर है ये क्या हुआ नॉट ओपन सीएमडी फाइल उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रही है तो नहीं नहीं RMAN सिक्योर बैकअप सिक्योर ये यही बात है हमें काम करता है मैं आपको निकल जाता हूँ एग्जिट हम होम में ही हैं अभी फाइल भी यही है RMAN टारगेट दिस पासवर्ड रेड हैट आगे RMAN पर एट द रेट RMAN EKP नॉट प्लस फाइल सेव करने के बाद RMAN से बाहर निकलना होगा नहीं करने के लिए नहीं फाइल तो कौन से दे रहे थे ना सेम तो दोबारा भी चलाया ना नहीं इधर वो नहीं चलाया उससे भी वही बात हम लोग डायरेक्ट ऑलरेडी होम डायरेक्टरी में तो हम लोग ऑलरेडी उसे बात नहीं कर यहाँ से जाके रन करना है आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे ऐसा इशू क्यों आ रहा है क्या ऐसा इशू क्यों आ रहा है सिस्टम ये कर रहा है डू नॉट एग्जीक्यूट फोटो चेक डिस्प्ले कलर इसका मीनिंग एक्सपोज नहीं चला है एक्सपोज कल ये भी फंसा हुआ था नेट चाहिए बोलता है नेट चाहिए नहीं चला वाला एक्सपोज चलाया पहले काम करते करते उसने कैटलॉग भी कर रहा था और लास्ट में जो फिक्स करने से पहले चलाना था ना एक्सपोज अब उस पर्सन को बोलोगे कि ऐसा कुछ कर ले बड़ा डिस्प्ले ऐसा कुछ कर दे मैं तो भूल ही गया मैं तो भूल ही गया मैं तो हुआ रहा था होता है रियल सीन में होता है नहीं वाकई में सर क्या ना आज जब इन चीज में कुछ इंटरनल भी चला जाता है ना सर मेरा मेरा मानना है कि आपको प्रॉब्लम है अपने दिमाग पर बीच बस भाई ठीक है हर एक मिनट में 10 मिनट में सर को फोन करने सपोर्ट की जरूरत नहीं है प्रॉब्लम ये है कि सर उतने फ्री है नहीं तो ये है कि फिर कभी जब इशू रहता है तो सी मतलब बोल दिया तो बस बात करना हो गया हम बता देंगे तो सामने वाले पीओ हो जाएगा आपको बता दो ये था बोल था इन क्लाइंट को जा रही है कि देखें मैं इधर आओ चले क्लास में चलो अरे कोशिश देखो कोशिश ऐसी हमारी तैयार हो रही है कि हम ऐसा कुछ सिनेरियो तैयार करें जिससे कि देखिए वो आप डीबी अगर हो आप डीबी हो ठीक है तो डीबी को थोड़ा सा ये उम्मीद करता है कंपनी कि आप थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए आपको लगना जैसे हो तो बंदा नॉलेजेबल है ठीक है आप अगर हैं करते पहुंच जाओगे उसके पास में ना ठीक है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा Thank you.
सिर्फ बैकअप क्या कर रहा है, टॉक्सिक बैकअप क्या कर रहा है, ये जिन बैकअप ने चेक आउट कर रहा है जो बैकअप अभी लिया है, टॉक्सिक बैकअप कर रहा है कि जो आपने बैकअप लिया जिस किसी लोकेशन पर उसके इंटर सिस्टम का थोड़ा बहुत ये दोनों को मैच करेगा वो किसी को करप्ट कर लेते सर एक ये भी आ जाता मतलब इधर ये डालना पड़ेगा बैकअप डेटाबेस या बैकअप टेबल स्पेस या बैकअप फाइल्स वैलिड अप टू ऐसा कुछ डालना पड़ेगा वैलिड अप टू से हाँ वैलिड अप टू डालना पड़ेगा एक सेकंड डाल दिए वैलिड अप टू वन से उस टाइमिंग वाले वो खुद खत्म हो जाएगा से हम बैक निकलते हैं बैकअप डेटाबेस बैकअप टेबल स्पेस ठीक है बैकअप कंट्रोल फाइल्स ठीक है बैकअप रेसिपी फाइल्स आरएमएन से सिस्टम को स्टार्ट करना आरएमएन सिस्टम को डाउन करना आरएमएन सिक्वल कमांड चलाना वो सारे प्रोसेस हो गया प्रोसेस बैकअप है ना प्रोसेस बैकअप हां हम यहां से आते हैं सिक्वल प्लस प्लस ये स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन पैरामीटर नॉट मॉडिफाइड विद दिस ऑप्शन दिस ऑप्शन हां बहुत से साथ नहीं होगा गेट नहीं हो रहा तो हम क्या करें तो मूव करते हैं दोनों में क्या एसएचयू सिर्फ एसएचयू करके एंटर किया
वो सारे ट्रांजेक्शन से इनकमिंग ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा फिर सर को तो इसमें जो भी है बीच में है हाँ निकल देगा नहीं 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 ये इनकमिंग ट्रांजेक्शन को रोक देगा अच्छा अभी का जो है उसको रनिंग रनिंग नहीं रनिंग को कंप्लीट करेगा फिर डाउन करेगा इस दोनों की जरूरत उस समय पड़ती है जब हम ऑगली बनाते हैं ऑगली डेटाबेस बनाते हैं उस डेटाबेस के लिए हमारे पास अगर दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन में अगर बात डिफरेंट होता है तो इस सिनेरियो को हम फॉलो करते हैं। हमें इस सिनेरियो में फिलहाल तो ये कनेक्शन ही नहीं बनाएगा फिलहाल यह कनेक्शन ही नहीं बनाएगा में ऐसा करना है चीज एट द रेट आर्मेन टारगेट इक्वल टू चीज एट द रेट ओ आर सी एस या जो भी टी एन एस है कैटलॉग इक्वल टू चीज एट द रेट जो कैटलॉग का टी एन एस होगा पढ़िए नॉट कैटलॉग ऑलरेडी इक्वल टू उसका चीज एट द रेट एक्चुअली का टी एन एस तो ये वाला आप बताना चाह रहे थे ये जो यही है हाँ यही है ठीक है बस इसको हम अगर एंटर प्रेस करते हैं तो हमसे कुछ हमसे डिमांड करेगा उसका पासवर्ड पास करो डायरेक्ट कनेक्शन तो ओके हो जाएगा अब कहेगा ऑगली कनेक्शन दो इसका नहीं है तो गूगल सिस्टम अप होना चाहिए तो सिस्टम अप हो गया हमें बनाना चाह रहे हैं हाँ अब किस सर्वर में मान लो हम डेटा में बनाना चाहते हैं किस सर्वर सिस्टम अप होगा पैरामीटर कॉन्फिगर्ड होगा ठीक है इंस्टेंस इंस्टेंस एट सिस्टम ऑफ होगा मतलब इस तरीके से पूरा डेटा बेस को बनाना पड़ेगा बिल्कुल हम यहाँ पर अगर उसका पास करते हैं सिर्फ उसके नीचे पास करना डुप्लीकेट डेटा बेस मतलब ये डेटा बेस बना करके सिर्फ डेटा बेस सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए ठीक है वहाँ पर एक क्लियर है थोड़ी क्लियर होना चाहिए जल्दी हो सेटिंग क्या भाई यही तो मेरा पंगा है कि लाइट के जाने के बाद सर यहाँ तो आ रहा है नहीं ये चलाइएगा तो बंद हो जाएगा तो भाई ये मेरा अभी इशू है
तीन लाइट जाने के बाद सिस्टम डाउन हो जाता है। मुझे 45,000 का जुगाड़ करना पड़ेगा। उससे ज्यादा आउटपुट की उम्मीद हमें एसी लाइन से है। वाले एसी लाइन का वो आ जाएगा ना। ईएमआई भी कोई नहीं देगा आपको। अभी जो हालात है हाँ देखो तो कंफिगर कर देता हूँ। वीजीएसी ईएमआई पे आया हुआ है। लक्ष्मी आ जाओ। बोतल और ढक्कन आप खुल कर रखा है। अरे भाई आज पार्टी मिल रही है ना, आप दोनों भी इनवाइटेड हैं। अभी भाई आ रहे हैं। सही बोल रहा हूँ। टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा वापस। ठीक है
गया बेचारा। अच्छा सर अकेले वो कर रहे जाए।